खरगोन जिले की चार और खंडवा जिले में हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं में पुलिस को सफलता मिली है। इन वारदातों को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के एक सदस्य सहित चोरी की चेन खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि 6/11/2021 को भोखले कॉलोनी खरगोन निवासी फरियादी द्वारा रिपोर्ट की गई कि डॉक्टर तारे के घर के पास खरगोन में दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और गले में पहने सोने का मंगलसूत्र झपटा मारकर छीनकर ले गए। घटना को गंभीरता से लेते हुए मुखबिरों को सक्रिय किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ईरानी करीब 6.5 फीट ऊंचा है, जुलवानिया तरफ से खरगोन काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर वाली से खरगोन की तरफ आ रहा है। सूचना पर माईफोर्स जुलवानिया रोड पर सुतमिल के पास पहुंचे आने वाले व्यक्ति की चेकिंग करते मुखबिर द्वारा बताए हुए व्यक्ति काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर से आते दिखा, जिसे रोक कर घेराबंदी कर पकड़ा। वह नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम आशमी पिता अकरम अली बेग उम्र 32 साल निवासी परली जिला बीड महाराष्ट्र राज्य का होना बताया, जिसे थाने ले आए। वह खरगोन क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग घटना के बारे में मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर बताया कि मैंने व मेरे साथी नासद ईरानी, अब्बास ईरानी व समीर के साथ शहर खरगोन में 3 अलग-अलग स्थानों पर चेन छीनकर भाग गए थे एवं अन्य जगह बड़वा तथा जिला खंडवा मोघट में चेन छीनने की घटना भी घटित करना बताया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। प्रॉपर्टी ऑफेंस के विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए जैसे दिए थे, इसमें एसडीपी खरगोन के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने एक अच्छा काम करते हुए एक चेन स्नैचर गैंग पकड़ा है, जिसमें एक मुख्य आरोपी ईरानी समाज का एक व्यक्ति जिसकी काफ़ी अधिक हाइट होने की वजह से अलग ही उसकी पहचान थी, आसमी जो परली बीड महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसके जिले में आमद रफ्त रहती है और इन्फॉर्मर्स ने बताया अनुसार जब वो खरगोन आया था चेक किया और जब पकड़ा तो उसके पास से एक देसी पिस्टल मिला, उसको पुलिस ने जब्त किया और घटनाओं के बारे में जब उसे विस्तार से पूछताछ किया गया तो उसने खरगोन जिले की 3 घटनाएं घटित करने की बात की, इसमें उसके साथ अलग अलग साथी थे और चेन जो है उसने अपने एक साथी उमन सोनी जो अंजर का रहने वाला है उसको बेचना उसने बात बताया था, इस पर से पुलिस ने उसके भी गिरफ्तार किया है और हम उसके अन्य साथियों को तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा उसने अन्य जिलों के भी कई घटनाएं घटित करना स्वीकार किया और गुजरात के आनंद में भी उसने घटनाएं घटित की हैं और छिंदवाड़ा और खंडवा में भी उसने इस प्रकार की घटनाएं की हैं। इस प्रकार पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर को पकड़ा है और कई घटनाओं का पर्दाफाश किया है, इसे खरगोन कोतवाली और सिटी ने काफ़ी अच्छा काम किया जिसको मेरे पर प्रशिक्षित किया एक चेन स्नैचर गैंग के लोगों को कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। जिले में जो संपत्ति संबंधी अपराध घटित हुए उसे संबंध में SNSP SDOP और सभी KIO के नेतृत्व में अच्छी टीम बनाई गई थी। इंफॉर्मेशन के आधार पर एक ईरानी जो परली महाराष्ट्र का रहने वाला आसमी नाम था, उसके इंफॉर्मेशन थी कि उसने इस तरह की घटना घटित की है, उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा होने से अलग से ही वो पहचान में आता भी है। CCTV फुटेज वगैरह में भी स्थलियों को हम लोगों ने देखा था, इस आधार पर हमने इंफॉर्मेशन लगाया और जब वो खरगोन आया था तो पुलिस ने चेक करके उसको पकड़ा और उसके पास से एक देसी पिस्टल उसने पास से जब्त किया गया, साथ में उसने कई घटनाएं चेन स्नैचिंग करना स्वीकार किया। अभी तक हमने उसे 3 चेन बरामद कर लिया जो खरगोन जिले के ही अलग अलग जगह से चेन स्नैचिंग हुई है। इसके अतिरिक्त उसने खंडवा और आनंद और छिंदवाड़ा में भी इस तरह की घटनाएं घटित करने की बात स्वीकार की है, अन्य अलग अलग साथियों के साथ उसने ये घटनाएं की हैं। संबंधित जिलों के पुलिस को भी हमारे द्वारा सूचना दे दी गई है और अभी तक हमने 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें एक उसका साथी जो इससे सोने की चेन खरीदा करता था अंजड़ का एक हेमंत सोनी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस प्रकार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके हमने अभी तक 3 चेन स्नैचिंग की घटनाओं की गिरफ्तारी कर ली है और अन्य 5 घटनाओं के बारे में जानकारी मिलने पर संबंधित पुलिस को कार्रवाई करने के लिए हमने बता दिया। सर, एक बड़े गिरोह का संभावना है, इस तरह की घटनाएं घटित करते हैं और इसकी ससुराल सिंधवा में है, वैसे इसकी मध्य प्रदेश में आना जाना लगा रहता है और चेन स्नैचिंग की घटनाओं में ये काफ़ी दिनों से सक्रिय रहा है। इसके अलावा भी है, ये इसके साथ अन्य साथी भी हैं, अलग अलग घटनाओं में अलग अलग साथी रहे और उसके भी हम तलाश करते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।